विराट की दहार से गूंज उठा अहमदाबाद, कंगारू हुए पस्त, 3 साल का इंतजार हुआ खत्म, संडे बन गया सुपर संडे। असली विराट आ गया है, अब पूरी दुनिया होगी चुप, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट को दिखेगा विराट का असली रूप। सुन लो कंगारू, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो झांकी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पटकना अभी बाकी है। अहमदाबाद में किंग कोहली ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो 7 जून को इंग्लैंड के ओवल मैदान पर रिलीज होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला आखिरकार गरज उठा और ऐसा कर जा कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। 3 साल बाद शतक तो आया ही, साथ ही साथ वो शतक फैंस के लिए खुशियों का बौछार लाया। इस शतक के साथ ही 3 साल का इंतजार भी खत्म हो गया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हमारी हो गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट भी पक्का हो गया। जी, विराट कोहली को मानो इसी दिन का इंतजार था, वो बस ऐसे ही वक्त के इंतजार में बैठे थे जहां अपनी पारी से भारतीय फैंस को वो एक साथ इतने सारे तोहफे दे सकते थे। संडे का ये दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर संडे बन गया। अहमदाबाद में 4th दिन का खेल शुरू होने के साथ ही लोगों को सिर्फ एक ही बात का इंतजार था और वो था किंग कोहली का शतक का। कोहली ने शुरुआत बहुत संभल कर की क्योंकि उन्हें भी अपने फैंस को एक खास तोहफा जो देना था। धीरे धीरे वो अपनी लय में नजर आ रहे थे और लंच तक शतक के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि इस बीच भारतीय टीम ने जडेजा का विकेट खो दिया। क्रिस भरत विराट कोहली का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज KS भरत आ चुके थे। भरत और कोहली की बदौलत भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के करीब जा रही थी, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं थी। सभी को बस एक ही बात का इंतजार था, वो था कोहली के शतक का। लंच के बाद कोहली 88 रनों के स्कोर पर नाबाद थे। भारतीय टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 365 रन। लंच के बाद खेल जैसे ही शुरू हुआ, पूरा भारत मानो कोहली के इस ऐतिहासिक शतक का गवाह बनने के लिए अपने अपने टीवी स्क्रीन पर चिपक चुका था। कोहली ने भी अपने ही अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। शतक के वो जितने करीब जा रहे थे, सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी, सिवाय एक इंसान के, और वो था खुद किंग कोहली। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए ये कौन सी नई बात है, जस्ट अनदर डे इन द ऑफिस। वो तो बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। कंगारू स्पिनर नेथन लायन की गेंद पर मिड विकेट की ओर शॉट खेला और किंग कोहली का बल्ला आसमान की तरफ। पूरा स्टेडियम अपने सितारे की स्वागत में खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा था और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। कोहली ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और फिर से जाकर अंपायर से गार्ड लेकर तैयार हो गए टीम को और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि काम अभी बाकी है। विराट कोहली का शतक आ चुका था। उन्होंने अपने शतक के लिए 241 गेंदें खेली। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 5 चौके लगाए, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी धैर्यपूर्ण पारी खेली थी और उन्हें इस शतक का कितना इंतजार था। और हो भी क्यों ना, उन्हें टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाए काफी वक्त हो चुका था। आपको बता दें, विराट कोहली का आखिरी टेस्ट शतक नवंबर 2019 में आया था, जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था। इतना ही नहीं, वो पिछली 15 टेस्ट पारी में अर्धशतक भी नहीं लगा पाए थे। उन्होंने अपना आखिरी अर्धशतक जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था, जब उन्होंने केप टाउन टेस्ट में 79 रनों की पारी खेली थी। इस सीरीज के पहले 3 टेस्ट की 5 पारियों में भी विराट कोहली 22 के औसत से 111 रन ही बना पाए थे। आपको बता दें, इस मैच के दौरान एक शानदार नजारा भी देखने को मिला, जहां स्टीव स्मिथ विराट कोहली का बल्ला उठाकर चेक करने लगे। दरअसल अहमदाबाद की असहनीय गर्मी की वजह से खिलाड़ियों को बार बार ड्रिंक्स की जरूरत पड़ रही थी और ड्रिंक्स ब्रेक के कारण मैच थोड़ी देर के लिए रुका था। इसी दौरान विराट कोहली बल्ला जमीन पर रखकर आराम करने लगे। ऐसे में कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ दौड़ लगाते हुए विराट कोहली के पास पहुंचे और उनका बल्ला उठाकर बैटिंग की प्रैक्टिस करने लगे। इस दौरान विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ने थोड़ी देर एक दूसरे से बातचीत भी की। दोनों के बीच हुए इस मजेदार वाकये को स्टेडियम में मौजूद लोगों ने खूब तारीफ की। आपको बता दें, विराट कोहली के टेस्ट में यह 28वीं सेंचुरी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो ये उनकी 75वीं सेंचुरी है। अगर विराट कोहली के ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने इस टेस्ट मैच के पहले तक 108 टेस्ट मैचों की 183 इनिंग्स में 8283 रन बनाए हैं, जिसमें 27 शतक और 7 दोहरे शतक शामिल है। इसके अलावा विराट ने 29 अर्धशतक भी लगाए हैं।